जो अफगानी लड़की है पाकिस्तान में, उसने ये कहा है कि हम लोगों को जब भी इलाज वगैरह करवाना होता है तो पाकिस्तान हमारे पे बम धमाके करता है, इकोनॉमिकली हमें सपोर्ट नहीं करता है, हमें इंडिया में बिल्कुल सिक्योर माहौल फराहम होता है। इंडिया से जो वो खुश है ना, इसलिए जो वो थोड़ा जो पैसा जो पाकिस्तान से ज्यादा फेंक रहे हैं ना इंडियन जो है राह जो है ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। इंडियन से मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि जो वहाँ जो 50 से प्लस आबादी है ना, वो जो अभी तक फुटपाथ पे सो रही, तो उनकी जो मतलब क्या हाल है? अभी तक जो वहाँ पे मेरे ख्याल जो है 40 बल्कि 50 से प्लस जो है अभी तक लोग जो है बाथरूम का बाथरूम की मुश्किलात का सामना पेश कर रहे हैं ना। क्या मिलेगा अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ करके? देखिए, अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री भी है, अगर उसे लगता है कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे तो दूसरी तरफ से रशिया से भी ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार फनी रिएक्शन वीडियो में। और आज का वीडियो मैंने निमरा अहमद जी के चैनल से लिया है, और वीडियो का टॉपिक क्या है पहले उन्हीं की जवानी सुनते हैं। दिवस आज हम बात करने वाले हैं, एक अफगानी लड़की ने पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर आकर हमारे तज्जिया निगार को अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स के बारे में बताया है, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया, जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है तो इंडिया हमेशा साथ देता है अफगानिस्तान का, चाहे वो किसी भी किस्म की बीमारी के इलाज के लिए हमें इंडिया जाना पड़े, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, जबकि अफगानिस्तान और अफगानियों के लिए पाकिस्तान का रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है, ऐसा कहा है अफगानी लड़की ने पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों टॉपिक आपने सुन ही लिया होगा, मतलब कि इन जाहिलों को पता है कि भारत ने कितना इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर किया है, चाहे अफगानिस्तान के कैसे भी हालात हों, हमेशा भारत ने अफगानिस्तान की मदद करने की कोशिश की, और इसके बदले में अफगानी लोग भारत से बहुत प्यार करते हैं। और इन जाहिलों को पता है सारा कुछ, क्योंकि यही लोग खुश हुए थे जब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आए थे, लेकिन आज यही रो रहे हैं। खैर सीधे चलते हैं वीडियो पे, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बात बताए तालिबान TTP हमारे खिलाफ हुए पड़े हैं, अभी पाकिस्तानी एम्बेसी पर भी अटैक हुआ था अफगानिस्तान में, सर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो अफगानी लड़की है पाकिस्तान में, उसने ये कहा है कि हम लोगों को जब भी इलाज वगैरह करवाना होता है तो पाकिस्तान हमारे पे बम धमाके करता है, इकोनॉमिकली हमें सपोर्ट नहीं करता है, हमें इंडिया में बिल्कुल सिक्योर माहौल फराहम होता है। वहाँ पर जो अफगानिस्तान से लड़के वहाँ पर कुछ यंगस्टर्स गए थे तालीम हासिल कर रहे, उनका वहाँ पर इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने भी सेम ये बात बोली। नहीं, मेरा ख्याल जो कि इंडिया से जो वो खुश है ना, इसलिए जो वो थोड़ा जो पैसा जो पाकिस्तान से ज़्यादा फेंक रहे हैं ना इंडियन जो है राह जो है ना, तो TTP जो है जो ऑलरेडी जो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ जो चल रही, तो इंडियन जो है ना, इंडियन से मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि जो वहाँ जो 50 से प्लस आबादी है ना, वो जो अभी तक फुटपाथ पे सो रही, तो उनकी जो मतलब क्या हाल है? उनसे मिल इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल अभी तक फुटपाथ। वर्ल्ड बैंक IMF जिनसे हम कर्जे लेते हैं, ठीक है, उन्होंने रिसेंटली रिपोर्ट जारी किया है कि इंडिया की पॉवर्टी तो अब ना होने के बराबर रह गई। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है वो आने वाले अरसे में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। नहीं, एक रिपोर्ट है मेरे ख्याल IMF जो है, इंडिया इकोनॉमी में किस नंबर पे है होगी, क्योंकि उसके पास टेरिटरी है लार्जेस्ट, फिफ्थ मेरे ख्याल फिफ्थ फोर बिल्कुल जो। क्या जिसमें गुर्बत इतनी ज्यादा होती है वो पांचवें नंबर पर इकोनॉमी आ सकती है? उनके रेमिटेंसेस असल जो वहाँ जो आबादी को भी देखना चाहिए ना, जो फर्क की पिटाई है उसको भी देखना चाहिए, ये तो नहीं कि बस आप जो है मतलब कुछ। पर गुर्बत बहुत कम हो गई है वहाँ पर, नौकरियाँ वो लोग गवर्नमेंटल लेवल पर और प्राइवेट लेवल पर वो लोग काफी ज्यादा दे रहे हैं, उन्होंने अपनी आवाम के लिए इतनी सहूलियात दे दी। ये वैसे जो मतलब अभी तक जो वहाँ पे मेरे ख्याल जो है 40 बल्कि 50 से प्लस जो है अभी तक लोग जो है बाथरूम की मुश्किल का सामना पेश कर रहे हैं। एक बात बताए जिस कंट्री में बाथरूम, भाई इस पाकिस्तानी को एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं खुद एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, और मेरे गाँव में हर घर में कम से कम दो बाथरूम बने हुए हैं। नहीं है उसको हमारी मुस्लिम कंट्रीज ना सिर्फ बल्कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज क्यों उसको तरजीह देती है, उसके साथ क्यों बिजनेस करना चाहती है कि इंडिया में बिजनेस बहुत है, उन्होंने अपनी पॉवर्टी को बहुत अच्छे तरीके से डिक्रीज किया, डेवलपमेंट बहुत किया है, बताए जहाँ पर इतने क्राइसिस है फिर वो वर्ल्ड में आगे कैसे आ सकती है? जाहिर सी बात है वो जो लड़की है ना वो इंडियन इन्फ्लुएंस होगी ना, उसके वहीं पे मफादात होंगी। इस तरह तो नहीं है कि मतलब अभी पाकिस्तान के मतलब वहाँ पे स्टडी कर चले जाए ना, जना हॉस्पिटल है ना, बाकी जो इतनी कंस्ट्रक्शन है पाकिस्तान ने किए, रोड्स बनाए ना, ये काबिल
डेवलपमेंट को, वन सेकंड, आप डेवलपमेंट को ये रोड्स वगैरह से आप कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, हमारी स्टील मिल बंद हो गई है, टेक्सटाइल में हम लोग फिनिश हो गए, तो हम रोड्स को बना करके एक इकोनॉमी में आगे जाएंगे, बताएं मुझे। वो ठीक है ना, एक जो इंटरनल मसला है वो जो एक अलहदा मेरे ख्याल अलहदा टॉपिक है, उससे कंपेयर ना करें ना, एक अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट्स है ना वो हुए हैं ना, काफी है, बताएं एक दो बताएं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पे काम किया है, क्या बनवाया है, चमन से लेकर जो काबुल तक, कंदार तक, ये शाहरा जो पाकिस्तान ने तामीर किए ना, लेकिन जो चलो फिर जो फिर यूएसए ने दोबारा तामीर। रिसेंटली ना एक रिपोर्ट में पढ़ी थी और बताया भी जा रहा था कि 20 प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं इंडिया ने ना उधर अफगानिस्तान में उनकी हेल्प करने के लिए, वहाँ पर उन्होंने डैम्स बनवाए, उनकी पार्लियामेंट बनवाई है इंडिया ने, तो उनको इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग करा है। अभी पिछले दिनों जब काफी हालात खराब हुए थे अफगानिस्तान में, तो मेडिसिन कैंप्स वगैरह, वीट वगैरह जो थे वो इंडिया से ही गए थे, वहाँ पर उन्होंने हेल्प की थी, पाकिस्तान की जानिब से कुछ भी नहीं गया। नहीं, हमारा जो आटा जो है ना, पूरा गंदम जो है ना, तकरीबन 20 से लेकर 40% तक जो अफगानिस्तान में स्मगलिंग रोका, वो क्यों जा रहे हैं ना, तो खुद गंदम लेते हैं दूसरे उन लोगों को ना, लो प्राइस में, जो अगर आप देखा जाए तो अगर वहाँ पर मिल रहे हैं तो फिर वो लोग इंडिया से क्यों मांग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी जो है थोड़ा जो इंटरेस्ट जो वो स्ट्रांग है ना पाकिस्तान से ना, उसकी जो है क्योंकि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उसको जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस वजह से जो है ना, इसको पाकिस्तान के अगेंस्ट कौन इस्तेमाल, जो अफगानिस्तान अफगानी रीजन है ना, प्रॉक्सी वॉर चल रही है इंडियन और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ना, तो अफगानिस्तान क्या चाहता है कि पाकिस्तान को नीचे दिखाए, तो ऐसे क्यों चाहता है, तो मुस्लिम कंट्री ना, जाहिर सी बात है ट्यूनिशियन तिवरी पढ़ने उसके बाद जो है ना, तो पाकिस्तान जो मतलब आजाद हो चुका है ना, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, तो अफगानिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अफगानिस्तान को तो अपना मुल्क है, और आपको पता है अफगानिस्तान का पैसा भी हमसे आगे है। नहीं वो तो बिल्कुल, तो अभी तालिबान की जो गवर्नमेंट है ना वो गुड है ना, इसलिए जो उसकी करेंसी जो आगे जा रही है, तो मेरे ख्याल जो क्योंकि वहाँ पे जस्टिस और सब कुछ जो बैलेंस चल रहे हैं, अमन पीस तकरीबन फीस जो तकरीबन आ चुकी है ना, तो इस वजह से स्टेबिलिटी आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है उसकी करेंसी मजबूत होगी। ये तो अफगानिस्तान को सोचना चाहिए कि जब हमने अफगानिस्तान की इतनी मदद की थी लास्ट में, जब पाकिस्तान रशिया की वॉर में, अफगानिस्तान रशिया की वॉर में, तो वो पाकिस्तान ही था जिन्होंने अफगानिस्तान की मदद की थी, और अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला करवाया था। ये तो अब उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें हिस्ट्री शायद भूल गई है, या वो रिकॉल नहीं कर सकते इस चीज़ को कि वो वाहिद पाकिस्तान ही मुल्क था जो अफगानिस्तान के साथ स्टैंड किया था उस टाइम पे। पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसने अफगानिस्तान में ये सारी तंजीमें बनाई थी, जिसको आज ये लोग एज ए दहशत गर्दी इस्तेमाल करते हैं, और यही वो लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में जाके धमाके करते हैं, तो ये हम पे इल्ज़ाम है एक तरह से। जब पाकिस्तान इनकी मदद कर रहा था ये तब भी चीखते थे, जब पाकिस्तान नहीं कर रहा तो ये तब भी चीख ही रहे हैं। सर बेसिकली जो मुद्दा उठाया गया है ना अफगानी लड़की की जानिब से, वो ये उठाया गया है कि हम लोगों को कोई भी बीमारी होती है तो हमें इंडिया तक एक्सेस ईजिली हासिल हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया जाता है, जबकि पाकिस्तान हम पर क्या करता है, बमबारी करता है। ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना इंटरेस्टेड होगा कि वो अफगानिस्तान पे, जबकि पाकिस्तान तो ये कोशिश कर रहा था यूएन में भी, यूनाइटेड नेशंस में भी, कि अफगानिस्तान के लिए स्टैंड लिया जाए, और वो पाकिस्तान ही कंट्री था कि जो अफगानिस्तान के लिए खड़ा था। अफगानिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान हमारा सगा नहीं है, हम जानते ही नहीं है पाकिस्तान को, तालिबान ने ये कहा है, टीटीपी भी हमारे खिलाफ हुई पड़ी है। तालिबान तो वो तंजीम है जिसको पाकिस्तान ने खुद बनाया था। अच्छा, वो तंजीम तालिबान पाकिस्तान ने उसे बनाया था, यहाँ से स्टूडेंट गए थे, और पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान लीगली सपोर्ट चाहता है तो वो पाकिस्तान से क्लेम करे कि हमें सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान खुल के सपोर्ट। अच्छा अच्छा, अब वो खुद कितनी दफा तो वो कह चुके हैं मतलब, और आप देख लें पाकिस्तान की जान से इकोनॉमिकली क्या उनकी मदद की गई है, मुझे बताया, वो बार बार बोले हमें मदद दो, हमें मदद दो। देखिए ये तो सारी होती है सियासत, अब इंडिया मदद इसीलिए कर रहा है कि वो अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ कर सके, वो उसका उसका टोटली मकसद ही ये है। इंडिया को क्या मिलेगा अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ करके? देखिए अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री भी है, अगर उसे लगता है कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे तो दूसरी तरफ से रशिया से भी ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे। वन सेकेंड, आपने बोला है कि ताल्लुकात की बुनियाद पर इंडिया जो है वो साजिश रच रहा है आपके मुताबिक, तो आप मुझे एक बार बताइएगा, आपने मुस्लिम कंट्री स्पेशली बीच में मेंशन किया है, तो क्या इंडिया के पास सिर्फ एक ही काम रह गया है कि मुस्लिम कंट्रीज के आपस में उन्होंने खराब करनी है, और कोई काम नहीं? अगर उनके पास यही काम होता तो वो इकोनॉमिकली तो कभी स्ट्रॉन्ग ही ना होते।
हमारी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज भी तो है, बांग्लादेश वगैरह हो गया, सऊदीया हो गया, दुबई वगैरह हो गया, तो उनके रिलेशनशिप तो किसी के साथ भी नहीं, इतने उनके रिलेशनशिप तो किसी के साथ भी उन्होंने खराब नहीं किए, इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही क्यों करना है उन्होंने? देखिए पाकिस्तान और इंडिया का तो आपको एक पता है कि शुरू से एक चलता हुआ आ रहा है कि वो आपस में उनकी नहीं बनती, तो बस वो अब हर जवाब पे हर महाज पे किसी न किसी तरह वो एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करते रहते हैं, और मेरा ख्याल है ये भी उसी साजिश का हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है कि हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं कि वो कहें कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ जाए? पहले कोविड से पहले आप कह सकते थे कि पाकिस्तान डेवलपिंग की तरफ जा रहा था और बहुत ज्यादा जा रहा था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी कोई डेवलपमेंट हो रही है जो इंडिया को ये करना चाहिए। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि मतलब ये लोग अब भारत के सिर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, मतलब अफगानी लड़की ने इनकी क्या बेइज्जती की, अभी ये मतलब जाहिल क्या है उछल रहे हैं। मतलब मेरा कहना तो सिर्फ ये है दोस्तों इस वीडियो के थ्रू कि पाकिस्तान भी अगर टेररिज्म को ख़त्म करे, भारत में टेररिज्म भेजना बंद करे, टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करे, पीओके भारत को वापस करे, तो भारत भी पाकिस्तान की मदद करेगा। और रही बात अफगानियों की, तो भाई भारत ने हमेशा मदद की है अफगानियों की, उसकी उसी के बदले में वो लोग इंडिया से इतना प्यार करते हैं और इन जाहिलों की जलती है। खैर आपका क्या कहना है दोस्तों इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।